तो भाई लोग क्या हाल चाल है यार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी पीसी थाईलैंड वाले के बारे में। यानी कि पबजी पीसी थाईलैंड या फिर पबजी पीसी लाइट, उसे भी हम कह सकते हैं। पबजी पीसी जो लाइट है वो ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। वो वैसे थाईलैंड में लॉन्च हुआ है लेकिन उसे इंडिया के अंदर भी प्ले कर सकते हैं। और मैं आपको इसके वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप उसको सच में प्ले कर सकते हैं, और उसके एरर जो आ रहे हैं वो भी बताऊंगा कि एरर क्यों आ रहे हैं इसके अंदर। मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई, भाई हमने पबजी पीसी थाई यानी कि पबजी पीसी जो लाइट है उसे डाउनलोड करा था लेकिन उसमें एरर्स आ रहे हैं और VPN का सर्वर वो हो रहा है, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा हमें एक सेपरेट वीडियो बताऊं। वैसे तो गाइस ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें मैं अगर आपको बताऊंगा तो मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट है पबजी में, तो मैं भी पबजी बहुत खेलता हूं। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, मैं एक क्या कहते हैं प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो होने वाला है। लेकिन उसके लिए मुझे यार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो हमारी वीडियोस को, चैनल को शेयर करो, लाइक करो। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी हमारे 35K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। इसी महीने के अंदर क्या हम हिट कर पाते हैं 35K सब्सक्राइबर या नहीं, ये देखना होगा। तो यार देखते हैं, एक कॉम्पिटिशन है तो ठीक है, देखते हैं। तो और एक बात और यार, जो पबजी पीसी जो लाइट है वो को बहुत ही कम स्पेक्स पीसी में चल रहा है, ये मैंने देखा है। बहुत ही कम स्पेक्स पीसी में भी आराम से वर्क कर रहा है, तो इसकी तो कोई टेंशन मत लेना। अगर आपके पास 2GB रैम का पीसी है तो भी आराम से चल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना कि आप सही में कि आप पबजी पीसी लाइट को अपने पीसी में प्ले कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो देखो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। कुछ दिनों पहले 17 जनवरी के आसपास एक टेस्टिंग हुई थी पबजी पीसी थाई की, पबजी पीसी लाइट उसे भी कह सकते हैं। पबजी पीसी लाइट की जो टेस्टिंग हुई थी वो सक्सेसफुली हुई थी, कुछ गेमर्स ने उसमें पार्टिसिपेट करा था और अच्छा सा उसमें खेल के देखा था कि हाँ कंट्रोल सही है या नहीं है, तो उसे अप्रूवल मिल गया था। लेकिन उसके बाद उसकी सेकंड टेस्टिंग थी कल, यानी कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कल उसकी टेस्टिंग है। ओके 24 को टेस्टिंग थी, 24 को टेस्टिंग है थी नहीं ठीक है तो टेस्टिंग है। तो इस यानी कि 17 to 14 जितने भी ये सर्वर देना है पबजी पीसी थाई के वो सभी डाउन चले गए थे, यानी कि इस पर कोई भी वर्क नहीं चल रहा था। उसी बीच बहुत से यूज़र्स ने उसको डाउनलोड करा, उसको प्ले करने की कोशिश की, इस वजह से वो जो गेम था वो नहीं चल रहा है क्योंकि वो सर्वर डाउन कर दिए गए हैं और पबजी मोबाइल के सर्वर हाई कर दिए गए हैं। तो आप समझने की कोशिश करो, अभी 24 के पास जब ये टेस्टिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद आप अपने गेम को या पबजी पीसी लाइट को और थाईलैंड को जो भी आई की बात है उनको अपने पीसी में प्ले कर सकते हो। लेकिन सो गाइस अब जिन भी लोगों को एरर आ रहा है ना, तो उनसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप गेम को रिस्टार्ट कर सकते हो, यानी कि रिस्टार्ट करके दोबारा से प्ले कर सकते हो, या फिर जब तक ये पूरा ऑफिशियली लॉन्च नहीं हो जाता इंडिया के अंदर तब तक आप वेट कर सकते हो। VPN का यूज़ कर सकते हो, लेकिन यार VPN से कब तक खेलोगे, VPN में इतना मज़ा नहीं आता, इंडियन सर्वर तक नहीं आते उसमें, इंडियन बंदे भी नहीं आते, क्या उनके साथ खेलोगे यार। तो इससे बढ़िया तो आप पबजी पीसी को ही खेल लो। मैं उसके ऊपर काफ़ी जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ अपने चैनल पर। पबजी से रिलेटेड और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, मुझे बताइए आपको कैसी लगी ये वीडियो, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि मैं पबजी पीसी लाइट के ऊपर वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ आपको कमाल धमाल वीडियो में। सो गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।